राहुल गांधी हो गए बीमार, गुस्से में सोरेन की पत्नी। राहुल गांधी ने बिगाड़ा इंडिया गठबंधन की रैली का खेल। क्या चुनाव से पहले सारा विपक्ष हो गया फेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। झारखंड में इंडिया गठबंधन की रैली में ऐसा ग्रहण लगा, चारों तरफ बवाल ही बवाल मच गया। रैली की शुरुआत होते ही पहले तो नेताओं के सामने मारधाड़ मच गई, कुर्सी डंडे सब चलने लगे, कई लोग घायल तक हो गए। लेकिन अचानक खबर आई कि राहुल गांधी की तबीयत बिगड़ गई, वो रैली में शामिल नहीं होंगे। ये खबर सुनकर न सिर्फ कांग्रेसियों में हड़कंप मच गया, बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैरान हो गए। लेकिन राहुल गांधी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन नाराज हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी की तबीयत से ऐसा क्या बिगड़ा जो कल्पना सोरेन को चुभ गया? तो चलिए शुरुआत से बताते हैं। चुभने वाली बात तो ये है कि झारखंड में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ और हेमंत सोरेन के पक्ष में रैली हुई, जैसे दिल्ली में केजरीवाल के पक्ष में हुई थी। दिल्ली में तो विपक्षी दलों का लाभ लश्कर केजरीवाल के लिए इकट्ठा हुआ, खुद राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के साथ पहुंच गए। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन के पक्ष में चंद नेता ही पहुंचे, वो भी काफी मशक्कत के बाद। राहुल गांधी ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया, रैली में शामिल ना होने की बात कही। सोनिया गांधी भी नहीं पहुंची और आखिरी वक्त पर रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया। जब सवाल उठने लगे तो आखिर में कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे को रैली में भेजना पड़ा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अंदरूनी विवाद छिड़ गया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद नेताओं से कांग्रेस दूरी बना रही है? क्या केजरीवाल पर फोकस करने से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा होगा? क्या हेमंत सोरेन के पक्ष में हुई रैली से राहुल ने जानबूझकर दूरी बनाई? क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जैसा माहौल कांग्रेस को बनाना चाहिए था वैसा अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि कांग्रेस को पता है भ्रष्टाचार पर हेमंत सोरेन के पक्ष में बोलने से कोई फायदा झारखंड में होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ मोदी की आंधी के आगे कांग्रेस को छोड़िए झाझूमों का टिकना भी मुश्किल है। पारिवारिक विवाद और भ्रष्टाचार दोनों ही हेमंत सोरेन के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 में एनडीए ने 12 सीटें जीती, बीजेपी को 11 सीटें, आजसू को 1 सीट मिली, 1 सीट पर झाझूमों और 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। तो ऐसे में राज्य के सर्वोसर्वा यानी मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन खुद ही जेल में पहुंच गए हैं। भ्रष्टाचार ने इनका ही नहीं इंडिया गठबंधन का सारा खेल बिगाड़ दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस खासकर राहुल गांधी झारखंड में इतने एक्टिव नहीं हो रहे हैं। उन्हें पता है हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। यही बात अब हेमंत सोरेन की पत्नी को चुभ रही है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आने वाले दिनों में अब इंडिया गठबंधन में भारी बवाल देखने को मिल सकता है, यानी लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी बिखरता नजर आएगा और एक बड़ी खबर सुनने को जल्द मिल सकती है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।